जैसे आप सबको पता है, जो हमारा WEC उसके स्कैम के बारे में, क्या स्लॉट का स्कैम हुआ था एंड कितने सारे ई स्पोर्ट्स प्लस ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया था। तो इसके बाद जो हमारे फौजी आ जाए, उन्होंने रात के 3 बजे भाई एक इंस्टाग्राम स्टोरी दी थी, तो उन्होंने क्या डाली थी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इंट्रो के बाद। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। तो हेलो गाइस, अभी टाइम देखो, टाइम हो रहा है 3:58। मैंने सोचा नहीं था मैं वीडियो इस टाइम पे बनाने वाला हूँ। हुआ क्या था एक्चुअली कि आज मैंने WEC का मैच था, खेल के सोया, तबीयत ठीक नहीं थी। 12-1 बजे उठता हूँ और उठ के क्या देखता हूँ कि यहाँ पे तो अलग ही सीन चल रहा है। ग्रुपों में 50 बातें हो रखी है। देन उसके अलावा मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम पे, एक दो स्टोरी मेंशन है जहाँ पे बोला जा रहा है कि TC नेपोटिज्म कर रही है और उनको डायरेक्टली स्लॉट मिला। हम 3-4 बार बाहर हो चुके हैं राउंड से, राउंड 1 राउंड 2 3 खेल के बाहर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मिल रहा है। तो पहले फॉरन करने से बताना चाहूंगा कि TC को जो पहले इन्विटेशन स्लॉट था उसमें टॉप 2 टीम्स क्वालिफाई होनी थी और उसमें हम टॉप 3 थे, तीनों के सेम पॉइंट थे। बट कुछ जो भी रूल्स था उसके चक्कर में हम लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए। फिर बकायदा जो रजिस्ट्रेशन वो होता था, रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करके खेल रहे हैं राउंड 1 राउंड 2 और राउंड 3, उसके बाद में आज 4 खेल के टॉप 6 जो क्वालिफाई था वो क्वालिफाई किया। तो इसमें बंदे कुछ भी बोल रहे हैं, तो भाई कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो, एक के ऊपर एक मत बोला करो अपने उससे। तो आप देख सकते हैं, मैं कुछ एक छोटा सा हिंट आपको दे देता हूँ। इंडियन ने दिया राउंड 3 के जो पॉइंट्स हैं, जिसमें टोटल गेम जैसे कि मैं दोनों क्वालिफाई कर रही है, तो मुझे अब लिटरली पता नहीं भाई क्या सीन है, कैसे क्या हो रहा है, लिटरली डोंट नो। अब देखते हैं और क्या अगर अपडेट्स निकल के आते हैं इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग, तो मैं आप सबको बता दूंगा।